दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल तक दिल्ली के अंदर जो यमुना में पानी का स्तर है उसमें काफी गिरावट आ जाएगी। अभी तक जो पानी का स्तर है वो लगभग 1 मीटर तक नीचे जा चुका है और उसमें निरंतर धीरे धीरे गिरावट दर्ज हो रही है। दिल्ली के अंदर इस बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार दिन रात युद्ध स्तर पे काम कर रही है, जिससे कि दिल्ली के लोगों को किसी तरह की इस आपात स्थिति में तकलीफों से, दिक्कतों से बचाया जा सके। दिल्ली के अंदर 40 से ज़्यादा राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं, जिसमें लो लाइन में रहने वाले लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वहाँ से रेस्क्यू करके रखा गया है। पिछले 5 दिनों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राहत शिविरों में हम लोग जा रहे हैं। लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी पार्षद, आम आदमी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है और जगह जगह अपने क्षेत्रों में जो भी उनके नियरेस्ट राहत शिविर हैं वहाँ पर जा कर के वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। आज से लोगों के सहयोग का जो अभियान आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है उसे और तेज करते हुए पार्टी मुख्यालय में आज से बाढ़ राहत रसोई की शुरुआत की जा रही है। इस रसोई के माध्यम से यहाँ पर फूड पैकेट तैयार करेगी पार्टी और सभी 40 कैंपों में पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जो वहाँ स्थानीय स्तर पे कहाँ पर ज़रूरत है इसका आकलन करके केंद्रीय कार्यालय में सूचित करेंगे, जहाँ से हम लोग जो राहत शिविर में लोग रह रहे हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने का काम करेंगे।